देखते हैं कि माता पिता की बड़ी बिटिया, एक दुलारी बिटिया जो अब डॉक्टर अंजलि होने वाली है कुछ समय में। अंजलि बताइए थोड़ा सा, आप क्या कहना चाहती हो, आप कैसे सपोर्ट मिला आपको माता पिता का? सर, उनका सपोर्ट तो मुझे हमेशा मिला, मतलब हर टाइम पे, जब भी मैंने बोला है कि मुझे ये करना है आगे, तो उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया कि तुम ये करो, मतलब उन्होंने कुछ बोला नहीं है कि हम ये चाहते हैं कि तुम ये करो, उन्होंने बोला कि तुमको जो करना है, अपनी लाइफ में सक्सेस होना, कुछ ऐसा मुकाम हासिल करना है कि हमको तुम्हारे ऊपर गर्व हो। अंजलि, आप एक बहुत बड़े एग्जाम में बैठी हुई थी, जो कि आप जानते हो कि 24-25 लाख बच्चे इस परीक्षा में बैठते हैं। एक अब तो हम इस नीट की परीक्षा को नेशनल एग्जाम नहीं कहेंगे, राष्ट्रीय परीक्षा नहीं कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा कहेंगे, क्योंकि इस बार जो केंद्र है वो विदेश के बाहर भी बनाए गए थे। तो इतनी बड़ी परीक्षा में जब हम बैठते हैं और एक हम छोटी सी जगह से जाते हैं, तो ये कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि हम नीट जैसी इतनी बड़ी परीक्षाओं को निकाल सकते हैं और अपनी जगह बना सकते हैं? तो क्योंकि पहली बात तो सर हमारा मतलब बैकग्राउंड भी उतना वो नहीं था कि हम उतने अच्छे से अफोर्ड कर सकें, तो ये एक एग्ज़ाम था जिससे सीधे हम कुछ अच्छा कर सकते, कुछ बड़ा कर सकते थे। बाकी तो ऐसे कॉलेजेस में जाके उतनी फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे इतनी, हमारे मम्मी पापा, तो इसलिए मैंने फिर वो चुना। और हमारे सर ने भी बोला था, जो मुझे पढ़ाते थे पहले से, कि कुछ तुम बड़ा ही करना, क्योंकि अभी तक तुम्हारी ऐसी परफॉर्मेंस रही है कि तुम कुछ बड़ा करोगी तो अचीव कर सकते हो। तो फिर उन लोगों का भी थोड़ा सपोर्ट रहा, तो फिर मैंने यही चीज़ करने का ट्राई किया। और मेरे को डॉक्टर ही बनना था सर, स्टार्टिंग से तो मेरा ड्रीम था। चलिए, तो अंजलि आपको तो ये ढेर सारी जो है शुभकामनाएं और ब्लेसिंग की, अब तो आप डॉक्टर अंजलि हो ही गए हैं। अंजलि, थोड़ा सा हम और चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पीछे एक बहुत बड़ी पीढ़ी खड़ी हुई है जो आपको देख रही है कि हमारी अंजलि दीदी कैसा काम किया करती थी, क्योंकि आप जो हैं एक उन बच्चों के लिए जो है कहना चाहिए कि एक वो स्तंभ बनने वाले हैं जिसके पीछे पीछे बच्चे दौड़ के और हो सकता है कि वो अचीवमेंट ले सकें। तो थोड़ा सा आप पढ़ाई के बारे में बताएंगे कि फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे भारी भरकम सब्जेक्ट होते हैं, आप कैसे हैंडल किया करती थी, कितने घंटे पढ़ा करती थी? और सर अभी इसी है? हाँ सर, अभी तो इस टाइम मतलब इस बार मैंने पहले केमिस्ट्री कम्प्लीट की थी, क्योंकि मैं कुछ स्टार्टिंग में केमिस्ट्री की कोचिंग ज्वाइन की थी और साथ में ही करती जाती थी मैं। सर ने चैप्टर करवाए, उसके साथ डीपीपीज मिलती थी तो मैं उनको सॉल्व करती थी, और कुछ क्वेश्चंस, एक बुक भी थी मेरे पास एमटीजी, उसके क्वेश्चंस भी लगाती थी प्रीवियस ईयर। तो मैंने ऐसे केमिस्ट्री बहुत जल्दी कंप्लीट कर ली थी और बायो भी मेरी बहुत जल्दी हो गई थी, फिर मैंने उसको रिवाइज बार बार किया था। और फिजिक्स भी, फिजिक्स दो तीन बार हो गई थी लास्ट लास्ट तक, उसके तो फिर मैंने लास्ट में फॉर्मुलेज किए थे बस। केमिस्ट्री कहाँ पढ़ रहे थे आप? तोमर सर के पास। तो आप तोमर सर के यहाँ केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे थे, तो आपको लगा कि तोमर सर जो पढ़ा रहे हैं सफिशिएंट है, कि हमें अलग से और किसी कोचिंग की आवश्यकता है? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है, सफिशिएंट है और एनसीईआरटी पर फोकस रखना है बस। अच्छा, फिजिक्स से अक्सर नीट वाला बच्चा डरता है, मैंने जहाँ भी देखा है फिजिक्स कहा तो वो डरने लगता है। आप फिजिक्स कहाँ पढ़ रहे थे? सर फिजिक्स तो मैं अनित सर के पास जाती थी, अनित पटेल सर के यहाँ पढ़ा करते थे। ठीक है, तो आपको लगता था कि अनित पटेल सर जो पढ़ा रहे हैं सफिशिएंट है, कि हमें और टीचर की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ भी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, तो मेरा ये था कि मैंने लास्ट में ज्वाइन किया था, मतलब बाद में लेट हो गया था मेरा ज्वाइन करने में, तो मेरे को थोड़ी दिक्कत आई थी, मेरी बेसिक्स उतने अच्छे नहीं थे, तो इस वजह से थोड़ा मेरा वीक रहा है उतना। बाकी ऐसा कुछ नहीं आता, नीट में तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो अगर हम थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ लें और बाकी क्वेश्चंस लगाने में, तो हो सकता है कि यार इतना कुछ वो नहीं रहता उसमें। लगभग कितने घंटे पढ़ा करती थी आप, जब आपका सिलेबस कब पूरा हो गया था, आपको लगा कि नहीं अब हमारा कोचिंग से सिलेबस पूरा हो गया है, ऐसा कब समय आया कि लगा कि सिलेबस पूरा हो गया है? सर केमिस्ट्री और बायो तो जनवरी एंडिंग में ही हो गया था, और फिजिक्स थोड़ा मतलब फरवरी मिड में गया था बस। ठीक है, बाकी एक बार सबका हो गया था। तो जैसा हमारा कोर्स खत्म होने के बाद हम टेस्ट सीरीज भी लगातार ज्वाइन कर रहे थे, तो क्या हमारे टीचर का अटेंशन हमारे एग्जाम पे लास्ट तक रहा कि कोर्स पढ़ाने के बाद में टीचर फ्री हो गए थे? नहीं सर, लास्ट तक सभी टीचर्स अपडेट लेते थे कि कितना हुआ है, क्या कैसा चल रहा है, और बाकी जो भी प्रॉब्लम आती थी वो डाउट्स भी कब क्लियर किए हैं। जी जी, आप एग्जाम के एक दिन पहले और एग्जाम वाली सुबह की कुछ घटना हो तो बताएं। हाँ सर, आपने मिश्रा सर ने कॉल किया था लास्ट में कि एग्जाम सेंटर पे जल्दी चले जाना और बाकी मिस्टेक्स मत करना हुए एमआर सीट को फिल करते हुए,
कुछ क्वेश्चंस करने के बाद वो MR सीट फिल कर लेना, ऐसे कुछ कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जिनसे नेगेटिव मार्किंग कम हो सकती है, वो सारी चीज़ें लास्ट में अपडेट दी थी, एक दिन पहले भी बताया था और उस दिन भी बताया था सुबह कॉल करके। जब आप परीक्षा देने जा रहे थे तो मदर फादर आपके साथ में वहीं थे क्या दोनों? सर मम्मी अकेली थी, मम्मी थे। हाँ, तो मम्मी से मिलके आप सुबह सुबह निकले होंगे? हाँ, मम्मी भी साथ में गई थी, मम्मी भी साथ में सेंटर पे गई थी। परीक्षा देने के बाद हम जब मम्मी से मिले तो हमारे क्या एक्सप्रेशन थे? गेट से निकलने के बाद हमें क्या लग रहा था कि हाँ हमारा हो रहा है कि हम रुक रहे हैं, क्या मतलब चल रहा था दिमाग में? पेपर देने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि हाँ सिलेक्शन तो हो जाएगा, बस मार्क्स का थोड़ा था कि कितने आएंगे, बट बाकी सिलेक्शन का तो कंफर्म था कि हाँ। तो ये माँ को कब बताया आपने कि हाँ हम सिलेक्ट हो जाएंगे? फिर पिताजी तक जानकारी पहुंची होगी आपको? आके ही सीधे, बस पापा का भी कॉल ही आ गया था मैं जैसे ही निकली थी, और मम्मी को भी, बस वो तो देख लिया था उन्होंने कि हाँ ये मुस्कुरा रही है, तब तो हो गया। अच्छा बेटा अंजलि एक चीज और चाहते हैं, अब तो डॉक्टर अंजलि ही आपको हम कहेंगे, कि बहुत पिछड़े हुए क्षेत्र से भी कई बार बच्चे माता पिता ये सपना सजा लेते हैं कि हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, तो उनके बारे में आप थोड़ा सा क्या कहना चाहती हो कि वो किस लेवल पे तैयारी करें, कैसे पढ़ें कि भाई वो भी सफल हो सकें? क्योंकि हम चाहते हैं समाज में सबका उत्थान होगा तो सबका उत्थान होगा, तो हम भी चाहते हैं कि समाज में बहुत पिछड़े हुए लोगों को और आर्थिक रूप से जिनको दिक्कत है उनका भी उत्थान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे मध्य प्रदेश में इतनी सारी सीटें हैं कि यदि ठीक से तैयारी की जाए तो हम सभी बच्चे जो तैयारी करने वाले हैं वो फिट हो सकते हैं कहीं ना कहीं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? तो भाई ऐसा तो कुछ नहीं है कि जो लोअर मतलब मिडिल क्लास लोग हैं वो लोग ये नहीं कर सकते, बट बच्चे में ऐसा है कि उसको करने का होना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना ही है, और मदर फादर का फुल सपोर्ट होना चाहिए बच्चे के लिए कि हाँ तुम ये कर रहे हो तो हम तुम्हारे साथ हैं, पर कई बार होता है ऐसा कि सपोर्ट नहीं मिल पाता है बच्चे को, या फिर कई बार वो ही उस टारगेट को कंप्लीट कर पाता है, तो दोनों का होना चाहिए कि कंपेटेबल हो दोनों, हाँ कि इधर मदर फादर का फुल सपोर्ट हो और बच्चा भी उतना लायक हो मतलब, तो वो कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है सर कि नहीं कर सकता। जब आप ट्वेल्थ कर रहे थे, ट्वेल्थ में यहाँ पर बानखेड़ी स्कूल से आप ट्वेल्थ कर रहे थे, तो आपके साथ में जो है और भी गर्ल्स पढ़ रहे होंगे, गर्ल्स हाँ। का स्कूल है सिर्फ बॉयज का स्कूल है? नहीं सर, दोनों का है। तो आपके साथ में जो गर्ल्स होंगी वो भी, उनमें से किसी का अभी तक पता चला कि वो भी डॉक्टर बन गई है, ऐसी कुछ जानकारी हुई? नहीं पता चला। मतलब ये कहें कि आप ही उनके बैच की आप ही डॉक्टर हैं? हाँ सर, अभी तक तो मतलब मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी की जी, मतलब आपने मतलब जब आपको मेडिकल कॉलेज मिल जाए तो उन शिक्षकों से जरूर मिलिएगा जो ट्वेल्थ में आपको पढ़ा रहे थे, उनसे भी आप चर्चा करिएगा। दूसरा चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनरली मीट वाला बच्चा होता है उसकी मैथ बड़ी कमजोर होती है, वो फिजिक्स से डर जाता है, तो उसको फिजिक्स में क्या करना चाहिए बेटा? सर बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग रखने चाहिए, क्योंकि बेसिक कर लोगे ना तो कई बार क्या होता है कि कुछ ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आपको थोड़ा रिलेशन पता हो कि हाँ इसके इससे एरिया से ये सारी चीजें निकल सकती हैं, तो आपका बेसिक अच्छा होगा और आपको फॉर्मूले याद होंगे फिजिक्स में, बस तो इतने से आपको बहुत अच्छा हो सकता है। आप कुछ अनित पटेल सर की कोई ऐसी बात करना चाहती हो कि जब आप पढ़ रहे थे उस बीच में कुछ ऐसा हुआ हो कि कुछ सब्जेक्ट को लेकर उन्होंने कुछ स्पेशल गाइडेंस दिया हो जिसके कारण एक अच्छा हमारा स्कोर आगे बढ़ सका? हाँ सर ने मतलब कई बार बोला था कि एक बार ऐसा करो कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद अगर सिलेबस कंप्लीट हो जाता है अच्छे से, DPP सर हम हर टॉपिक के बाद DPP देते थे, उनको सॉल्व करो, उससे क्या कॉन्फिडेंस आ जाता था, बाकी नहीं तो ऐसे थ्योरी पढ़ने से तो सर कुछ हो नहीं सकता है, उसमें फिजिक्स में तो क्वेश्चन लगाना मस्ट है। यही सेम हियर क्वेश्चन हम आपसे करना चाहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री को लेकर और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर, बच्चा अक्सर डरा रहता है, लेकिन जब आप सर के साथ चर्चा करते थे तो कैसा उसे गुड फील करते थे कि नहीं अब तो हम आराम से ये सब कर सकते हैं, कुछ आप वो घटनाएं बताएं थोड़ा सा? सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आपको ना मतलब जो रिएक्शंस होती हैं उनको बार बार याद करो, और उसमें ऐसा कुछ नहीं होता सर, सिर्फ NCERT ऑर्गेनिक के लिए तो NCERT ना कर बस। अच्छा, और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए? फिजिकल के लिए सर उसके तो क्वेश्चंस थोड़े मतलब वैरायटी में क्वेश्चन लगाने रहते हैं, पर लास्ट में मैंने NCERT पर फोकस रखा था, उसके जो NCERT के क्वेश्चंस थे उनको किया था। देखिए बायो एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है, 50% आपका बायो होता है, बायो को लेके बच्चों की क्या टेंडेंसी रहती है और उनका क्या मैनेजमेंट होना चाहिए उसको भी बताएं आप। सर स्टार्टिंग में तो मैं मतलब स्टार्टिंग में एक एक चैप्टर कर लेती थी, लेकिन फिर भी मतलब मिश्रा सर ने बोला था कि उसको अच्छे से करो, तो मैं एक दिन में फिर मतलब दो दिन में एक चैप्टर करती थी अच्छे से, बिल्कुल टर्म्स को अच्छे से पढ़ के और उसके डायग्राम, फिर लास्ट में जब मैं एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया था फिर दो दो चैप्टर्स एक साथ किए मैंने, और फिर लास्ट लास्ट में आते आते
इतना हो गया था कि एक दिन में 8 चैप्टर भी हो जाते थे, और फिर लास्ट में मैंने उसको बाइंड अप किया बिल्कुल रिवीजन के साथ, बस फिर तो बुक्स पलटानी रहती थी और फिर रिवीजन हो जाता था। आप जब अलग अलग पढ़ा करते थे, पटेल सर के यहाँ पढ़ने जाते थे, केमिस्ट्री वाले सर के यहाँ पढ़ने जाते थे, बायो वाले सर के यहाँ पढ़ने जाते थे, सब टीचर के यहाँ अलग अलग पढ़ने जाते थे, कभी मन में ऐसा नहीं आता था कि एक जगह बैठ के ये कहीं पढ़े, ये अलग अलग ऐसे क्यों जाना पड़ता है, ऐसे कभी दिमाग में? अलग अलग पढ़ना तो अच्छा रहा, कि क्या होता है कि अपन कुछ थोड़ा मूवमेंट करते हैं या फिर थोड़ा माहौल मिल जाता है सर, मतलब चेंज मिल जाए ना तो, और थोड़ा ब्रेक मिल जाता था एक तरीके से जी, और तो उससे थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाता था, तो ये तो एक अच्छा है सर, मतलब एक साथ बैठ के सारा एक साथ पढ़ लेना, वो उससे ये ज्यादा बेटर लगा मेरे को। एक कोई घटना जो आप जब पढ़ाई कर रहे होंगे साल भर में, तो आपके पटेल सर ने और तोमर सर ने आपको डांटा हो, पीटा हो, कुछ ऐसा हुआ हो कि बहुत गुस्सा हो गए हो कि नहीं बेटा ये काम नहीं हो रहा है, ये होना चाहिए, ऐसा कुछ बताएं आप थोड़ा सा? सर ऐसा तो कुछ नहीं है सर, तो मतलब अनिस सर ने तो कभी नहीं डांटा, एक बार तोमर सर के साथ हुआ था इंसिडेंट कि सर मुझसे कुछ क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे, मतलब मैंने रात में क्वेश्चंस किए थे, शायद माइंड ऐसा हो गया था कि अब बन ही नहीं रहे, एक दो क्वेश्चन नहीं बने तो फिर बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बने थे, फिर मैंने सर से जाके बोला कि अब तो ये क्वेश्चन सर मुझसे बन ही नहीं रहे, क्या पता क्या होगा, लास्ट में सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा। सर ने कहा था इनको अच्छे से करो, तुम अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, अगर रखोगे तो अच्छे से होंगे सारे क्वेश्चन। एक चीज और बेटा कहना चाहते हैं, बहुत दूर दूर से बच्चे कोचिंग आते हैं, अपने माता पिता को छोड़कर वहाँ हॉस्टल में रहते हैं, बाहर का ही खाना मिलता है और ये तमाम चीज़ें रहती हैं, जहाँ आप कोचिंग में पढ़े उन टीचर का व्यवहार बिहेवियर कैसा रहा आपके प्रति? जो मुझे सर अभी जो इस ईयर टीचर्स मिले थे वो तो फुल सपोर्टिव थे, उन्होंने मतलब मेरी ठीक है पढ़ाई तो ठीक है सर, बाकी और चीज़ों पर भी, हाँ कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो यहाँ पे तो वो भी बताना, तो फुल सपोर्ट रहा था सर इस बार तो मुझे टीचर्स का भी। आप बीच में मिश्रा सर को कभी कई बार जाती थी, वो एक लड्डू खिलाती थी, कहती माँ ने बना के भेजा है ठीक है कि नहीं, ऐसा क्या वो जादू होता था लड्डू में कि माँ आपको हमेशा ही बना के, आपको लड्डू क्या बहुत पसंद है? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, बट क्या है कि वहाँ पे स्टोरेज कर सकते हैं, अपन उनको स्टोर करके रख सकते हैं, इसलिए वो भेज देती थी, और अच्छे भी लगते हैं सर मुझे तो मीठा पसंद है इसलिए। चलिए ये तो ये थी हमारे बीच में अंजलि पठारिया, और इस क्षेत्र का इस संभाग का इन्होंने नाम रोशन किया है, और बेटियों के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज जो है अंजलि जो है एक आइडियल डॉक्टर पर्सन बन गई हैं, और यदि इन अंजलि जैसा ये सभी सोच के और इनके माता पिताजी जैसा सभी सोच के ये काम करें तो आज हमारे समाज में हमारी बिटिया भी बहुत आगे बढ़ सकती हैं। अंजलि और अंजलि के माता पिता आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और पुनः एक साथ आपको ढेर सारी बधाइयाँ शुभकामनाएं। मिश्रा सर ने तो बहुत साथ दिया अंजलि का।